क्या हो रहा है? मेरे हल्का से धक्का देने पे मोंटू कैसे उड़ गया? मेरे हाथों में इतनी ताकत कैसे आ गई? ये सब कैसे हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर। नहीं मोंटू नहीं। अरे ये मेरी सांस की हवा से विक कैसे उड़ गई? मुझे क्या हो रहा है? मुझे अरे अरे क्या हो रहा है? मुझे मेरे हाथों में इतनी सारी ताकत। रेस्लिंग चैंपियनशिप 2013 और प्राइज बनी है 1,00,000 रुपए। दोस्तों ये है यूएस के मशहूर अंतरराष्ट्रीय रेसलर कर्ट एंगल और ये कल हमारे बीच यूएस से रेसलिंग मैच खेलने के लिए मुंबई आ रहे हैं। हमारा चैलेंज है कि कर्ट एंगल को कोई भी नहीं हरा सकता और जो कर्ट एंगल से लड़ेगा उसे अपने पैरों पे रिंग में कम से कम 3 राउंड तक टिका रहना पड़ेगा। जो टिका रहेगा उसे हम 1,00,000 रुपया इनाम देंगे। और सुनिए सुनिए सुनिए, एक बार नाम देने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा। जो अपना नाम वापस लेगा उसे हमें 1,00,000 रुपए देने होंगे। है कोई हिम्मत वाला जो हमारे कर्ट एंगल के साथ लड़ सके और कोई ये 1,00,000 प्राइज जीत सके? कोई है आप लोग में से? इसके साथ जो लड़ेगा वो जिंदगी में कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। पर मुझे क्या, मुझे तो महेश की माँ ने कहा था कि शक्तिवर्धक काढ़ा लेके आना। बड़ी मुश्किल से मिला है तू भाई, बड़ी मुश्किल से। 1,00,000 रुपया जीतने का मौका है। आइए ये 1,00,000 प्राइज जीत सके, कोई है आप लोग में से? आइए आइए आगे बढ़िए। ओहो ये कर्ट एंगल पागल आदमी होगा जो इसके साथ लड़ेगा। बापूजी, अच्छा वो बापूजी यहीं पे मिल गए। मैं अभी उन्हें बताता हूँ कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। बापूजी, 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 बापूजी। देखो मुझे कितनी ताकत आ गई है रॉकी चाचू में। हाँ, चलो। दोस्तों यही है वीर बहादुर, बड़े दिल वाले और लकी इंसान जो जीत सकते हैं 1,00,000 रुपए। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? तालियां। दोस्तों ये दिखने में बुजुर्ग है लेकिन इनमें हिम्मत नौजवानों से बढ़कर है। मैं आपको सलाम करता हूं और ये ऐलान करता हूं कि यही कर्ट एंगल के साथ फाइट करेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा। अरे आप पीछे नहीं हट सकते, आपको ही लड़ना पड़ेगा। अरे लड़ेगा मेरा ठेंगा। ये तो अटक गया। ये मैंने क्या कर दिया? अब मेरी वजह से बापूजी भी फंस गए। देखिए इनका ये थम्स अप ये बता रहा है कि ये पूरे जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार है। तालियां। आपका नाम? अमृतलाल डगली। तो दोस्तों कल होगा अमृतलाल डगली और कर्ट एंगल का मुकाबला, तो बजाइए अमृतलाल डगली जी के लिए तालियां। तुम्हें तो हमने आकाश चक्र में भेजा था ना छलपरी, फिर तुम जीवित कैसे बच गई? तुम्हारी सच्चाई के सुरों में इतनी शक्ति नहीं कि वो मेरी बुराई की धुन को बजने से रोक सके। लेकिन अब तुम हमारे वार से नहीं बचोगी। भटकाती परी अब छलपरी को बचा रही है। भटकाती परी अब दुश्मन का साथ दे रही है। वो इसलिए साथ दे रही गाल परी क्योंकि अटकाती परी और भटकाती परी छल परी के वश में है। उनकी आंखें देखिए। अब हम क्या करेंगे विजयधार परी? कैसे तोड़ेंगे छलपरी का सम्मोहन? कैसे लाएंगे इन्हें होश में? होश तो तुम्हारे उड़ेंगे जब तुम मेरी नई धुन सुनोगी। अटकाती परी, अटका दो गाल परी और विजधार परी को। जो आ गया छलपरी। नहीं, ये आप क्या कर रही हैं अटकाती परी? आप इस दुष्ट छलपरी की बातों में मत आइए। हमारी बात तो सुनिए। शाबाश अटकाती परी, अब तुम दोनों मेरी वशीकरण बांसुरी की धुन में खो गई हो और मेरी गुलाम बनने को तैयार हो जाओ। काल परी और विजधार परी, दोनों भी परिया। अब तुम दोनों मेरे वश में हो गाल परी और विजधार परी। हम आपके वश में हैं। तो बताओ बाकी परियां कहाँ हैं? रानी में हैं। तो चलो, देर किस बात की है? रानी महल चलकर बाकी परियों को भी अपनी सुरीली धुन के वश में कर लेते हैं। चलिए चल परी, हम आपके साथ हैं। चलो। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मेरी वजह से बाबूजी भी फंस गए। ये टॉनिक पीकर मैं सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, वैसे ही जैसे वो बच्चा और रॉकी चाचू हुए थे जब मैंने उनके गोले के अंदर ये टॉनिक डाला था। और सारे बच्चों को परेशान करूंगा क्योंकि मैं ताकतवर रहूंगा, सबसे ताकतवर। अच्छा, तो इस टॉनिक की वजह से मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ, और अब इस टॉनिक को पी के मोंटू सारे बच्चों को परेशान करेगा। ठीक है, रुक जाओ मोंटू, अब मैं बताता हूँ कि जब इस ताकत की सही इस्तेमाल होता है तो फिर क्या होता है। मोंटू रुक जाओ। लो, गई भैंस पानी में, I mean, बॉस पानी में। बॉस, लगता है रॉकी चाचू ने हमारी बातें सुन ली है। तो क्या हुआ, ये टॉनिक पीने के बाद मैं उनसे भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। अच्छा, वो तो तब होगा ना जब तुम इस टॉनिक को पी पाओगे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भागो बॉस, वरना आपकी भी हालत सीट की तरह हो जाएगी। भागो। ए रुक, मोंटू आज तक कभी नहीं भागा। भागो, लेकिन भाग के जाओगे कहाँ तुम लोग? बताइए बॉस, कुछ भी करो लेकिन हमें चाचू के पास जाने से रोको। क्या करूं? बॉस टॉनिक लगता है उधर पीटने के बाद ही पिएंगे। अरे बॉस, मेरा मतलब है कि जल्दी टॉनिक पियो। अच्छा, ये लो मोंटू, लो मुझे टॉनिक दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अच्छा, ये चाचू दो मुझे, दो मोंटू मुझे टॉनिक दो, दो मुझे। दे रहा हूँ चाचू, चाचू मुझे छोड़ दो, आप तो मेरे फ्रेंड हो ना, आप टॉनिक ले लो, मुझे छोड़ दो चाचू। ये लो, ये लो। सुनो, मोंटू, दोबारा तुम लोगों ने किसी भी बच्चे को परेशान किया तो नहीं करेंगे। समझ गए। मैं हो गया ताकतवर। अरे वाह, मजा आएगा। जोर लगा के। अरे रुको, पहले उतारो। आराम से। अरे कर क्या रहे हो तुम लोग इस मायावी ताले के साथ? है लगाना कहाँ इसे तुम्हारे मुंह पे है? मेरा मतलब है कि शुक्र है तुम्हारे मुंह पे आई हुई सूजन खत्म हो गई। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर मिल गए, हम ढूंढ रहे थे तुम्हें। मुझे? हाँ, क्यों? क्योंकि लगाना है ताला तुम्हें। मुझे? नहीं। लगाओगे ताला तुम मुझे? नहीं। सेनापति जी नहीं। हमारा कहना ये है कि तुम्हें लगाना है ताला शस्त्रागार में। हाँ है ठीक, तो लाओ। क्या चाबी? नहीं, नटखट परी द्वारा दी गई महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी, रख देते हैं उसे अंदर और लगा देते हैं शस्त्रगृह में ताला। अरे हाँ, इस चोट के चक्कर में गया था भूल में नटखट परी के महाशक्तिशाली ईंधन के बारे में, क्या रखना था उसे शस्त्रागार में, पर कोई बात नहीं, अभी देता हूँ मैं उसे। चली कहाँ गई है महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी मेरी जेब से। हाँ, कहीं गिर तो नहीं गई वो पृथ्वीलोक पे। अब होगा क्या मेरा? अगर मिल गई किसी को तो मेरी खैर नहीं। अब करूँ क्या मैं, करूँ क्या? डुबा डुबा है, कहाँ गई शक्तिशाली ईंधन की शीशी? क्या है ना डुबा डुबा चार है रखी मैंने महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी नटखट परी के कक्ष में। अभी जाता हूँ वहाँ और लेकर आता हूँ उसे वहाँ से। ठीक है, जल्दी जा और जल्दी आओ। हाँ 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 तो जाओ। हाँ जा रहा हूँ। है तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे डुबा डुबा चार। पहले ही नाराज है बालवीर मुझसे, ऊपर से अगर पता चल गया परियों को कि खो गई है मुझसे महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी तो देगी बाल परी मुझे कड़ी सजा। ढूंढनी पड़ेगी वो शीशी, ढूंढनी पड़ेगी वो शीशी। दोस्तों ये है यूएन के मशहूर रेसलर कर्ट एंगल, और जो कर्ट एंगल से लड़ेगा उसे अब कम से कम 3 राउंड तक टिका रहना पड़ेगा। जो टिका रहेगा उसे हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। जो अपना नाम वापस लेगा उसे हमें 1 लाख रुपए देने होंगे। मेरी वजह से बाबूजी इतने परेशान हैं, सिर्फ मेरी वजह से। चाचू, आपको पता है कल हमारे एरिया में इंटरनेशनल रेसलर कर्ट एंगल आ रहे हैं। हाँ क्या? हाँ, और ये वही कर्ट एंगल है जिसने आज तक कम से कम 100 लोगों की हड्डियां तोड़ी है। अरे हाँ दादाजी, हर मैच में वो सामने वाले की 10 हड्डियां तो तोड़ता ही। क्या? हाँ, 10 हड्डियां टूटी तो जोड़ने में 10,000 का नुकसान। अरे यहाँ मेरी हड्डियां टूट रही है और तुम्हें पैसे की पड़ी है। अरे लेकिन बापूजी आपकी हड्डियां क्यों टूटेगी? अरे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ हड्डियाँ नहीं कुछ और भी तोड़ सकता है ना। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हड्डियाँ ही तोड़े, क्योंकि पिछली बार मैंने टीवी पर देखा था कर्ट एंगल ने अपने सामने वाले प्लेयर को ऐसे गर्दन फोड़ दिया था। आप क्यों डर रहे हो? आपको थोड़े वो पहलवान से कुश्ती करनी है। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि कल मैं उसके साथ कुश्ती लड़ने वाला हूं। बेचारे बापूजी को मेरी वजह से उस कर्ट एंगल से लड़ना पड़ेगा। पर मैं क्या करूं? कैसे रोकूं उस मैच को? पर मैं क्या कह रही हूं कि आप उस पहलवान से कुश्ती कर ही लो। क्यों? वो क्या है कि मैं आपके लिए वो शक्तिवर्धक काढ़ा लाई हूँ, वो शरीर पे असर करता है कि नहीं उसका भी रेस्ट हो जाएगा ना। दादी रेस्ट नहीं टेस्ट। हाँ, और उसके साथ लड़ने के बाद मुझे अस्पताल में जाके बिस्तर पे रेस्ट करना पड़ेगा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप बैठिए मैं आपके लिए शक्तिवर्धक काढ़ा लाती हूँ। ओ काढ़ा बाड़ा मैं बाद में देख लूंगा। कहाँ भागा जा रहा है? भागो भागो भागो। पर क्या हुआ? अरे बापूजी आपने जो किया है ना उस वजह से हम सबको भागना पड़ेगा। ये देखिए